कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पहले ही रोज पर्चा आउट, नकल रोकने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। 12वीं जमात का वोटनी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद। कराची में गर्द आलूद हवा और तेज हवाओं की वजह से माहीगीरों की कश्ती लापता हो गई। कश्ती में 14 माहीगीर सवार थे, माहीगीरों और कश्ती की तलाश जारी। सानेहा हजारगंजी के खिलाफ मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी के धरने का चौथा रोज, मुजाहरीन और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात डेडलॉक का शिकार। मुजाहरीन का कहना है कि वजीर आजम क्वेटा आएंगे तो उनके सामने मुतालबात रखेंगे, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान आज FATF को एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तीसरी रिपोर्ट पेश करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जून में होगा, जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद सितंबर 2019 तक किया जाना है। और इमाम काबा आज सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। इमाम काबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। इमाम काबा पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी से भी मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में नमाज जोहर की इमामत भी करेंगे। भारत में तायुनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद कहते हैं कि इलेक्शन पाक भारत मुजाकरात शुरू होने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में सुहेल महमूद का कहना था कि खित्ते में अमन और तस्फिया तलब मसाइल पर मुजाकरात नागुजीर हैं।